दोस्तों, मां डिजिटल सेवा में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपकी जो मध्य प्रदेश वर्ग शिक्षक 3 की रूल बुक है जो जारी हो चुकी है, और उसमें क्या क्या जाए बदलाव हुए हैं और क्या एज और क्या पूरी डिटेल्स रहेगी वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं। तो फ्रेंड्स, सीधा आपको ले चलता हूं गूगल के पास और दिखाता हूं आपको सब चीज लाइव। जैसे फ्रेंड्स, हम गूगल के पास आ चुके हैं। यहां सिंपली आपको टाइप कर देना है mp.sorry pebb.mp.gov.in। डालने के बाद आपको सिंपली एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस आ जाएगा इस तरीके से, और आप सबसे ऊपरी वाली जो लिंक दिख रही है यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस आएगा जो पीबी की वेबसाइट इस तरीके से आ जाएगी, और आपको यहाँ पर एक लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है। सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने फिर से एक नया इंटरफेस इस तरीके से आ जाएगा, और आपके यहाँ देखेगा प्राइमरी स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एडवर्टाइजमेंट एंड रूल बुक। तो सिंपली आपको रूल बुक पर क्लिक कर देना है। जैसे फ्रेंड्स, आपके सामने आ चुकी है रूल बुक, और आपको इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे लिखा हुआ मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा 2020 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका, जो कि आपके सामने दिख रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा है 6/1/2020 से आज से प्रारंभ हो चुके हैं और 20/1/2020 तक जो है चलने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड्स, आपका जो है करेक्शन 25/1/2020 तक कर पाएंगे। परीक्षा दिनांक 25 अप्रैल 2020 से प्रारंभ है। परीक्षाएं 25 अप्रैल 2020 से प्रारंभ हो जाएंगी और आपके आगे कब तक चलेंगी ये क्लियर नहीं है। साथ ही फ्रेंड्स, आपको प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आपको जो है फीस किस प्रकार रहेगी मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आपको दिख रहा है यहाँ पर अनारक्षित के लिए 500 और विभागीय शुल्क 100 रुपए, टोटल मिलाकर 600 रुपए फीस रहेगी। और इधर आपका अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग निःशक्त जन अभ्यर्थियों के लिए और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षण जो है लागू रहेगा, जिसमें आपके 250 रुपए फीस रहेगी और 50 रुपए आपका विभागीय शुल्क के साथ में 300 रुपए फीस अलग जो रहेगा। और साथ ही आपको दे करना रहेगा पोर्टल शुल्क 60 रुपए पोर्टल शुल्क रहेगा जो क्योंकि सेंटर के लिए, और सिटीजनशिप में आप 20 रुपए दे करके आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। सिंपली फ्रेंड्स, सबसे पहले आगे आपको दिखाता हूं। यहां पर आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग पत्र क्रमांक F1-179/2018/20-1 भोपाल दिनांक 3/1/2020 के अनुसार शिक्षा विभाग स्तर पर विभागीय कार्यवाही हेतु विभागीय शुल्क बी बोर्ड द्वारा प्राप्त किया जाकर इस राशि को शुल्क स्कूल शिक्षा विभाग को स्थानांतरित किया जाएगा। और परीक्षा दिनांक एवं दिन जो कि आपको बताने जा रहा हूं मैं, परीक्षा दिनांक 25 अप्रैल से प्रारंभ होंगी और परीक्षा पाली 1 और 2 दो पालियों में आपकी परीक्षा होंगी, जिसमें आपको 7 से 8 का समय रहेगा जो आपके रिपोर्टिंग रहेगा, और आपको 8:30 से 9 बजे तक जो है 10 मिनट का आपका जो पढ़ने के लिए रहेगा, और उत्तर अंकित करने का समय 9 से लेकर 11:30 तक रहेगा। इसी प्रकार आपको जो सेकेंड रहेगा उसमें 12 से 1 के बीच में रिपोर्टिंग और 1:30 से 2 बजे तक आपका जो टाइमिंग चेक करने का रहेगा 1:50 से 2 तक, और साथ ही 2 बजे से लेकर 4:30 बजे तक जो 2.5 घंटे का आपका एग्जाम पेपर रहेगा। टिप्पणी में आपको दिखाया जा रहा है अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है यूआईडीए द्वारा, जो आपका उसका पंजीयन आधार पंजीयन होना आवश्यक है। बिना आधार पंजीयन के आप जो है फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य रहेगा। यहाँ पर एग्जाम सेंटर पर आपको जाने के लिए आपके पास पैन कार्ड, मतदाता जो है पहचान पत्र और आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए, और कोई भी वैलिड प्रूफ आपके पास जो है होना चाहिए। साथ ही फ्रेंड्स, आपके जो है अभ्यर्थी की अनुपस्थित का विनिश्चय मूल परिचय पत्र के अतिरिक्त अपना आधार कार्ड, ई आधार कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति, आधार नंबर, आधार वीआईडी की जानकारी लाना अनिवार्य रहेगा। परीक्षा में प्रवेश के समय एवं परीक्षा के दौरान बहुस्तरीय बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है। परीक्षार्थियों को परीक्षा में रिपोर्टिंग समय तक परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति देना अनुमति होगी। साथ ही फ्रेंड्स, आपकी जो मुख्य सबसे ज्यादा जो एलिजिबिलिटी पात्रता जो रहेगी आपके जो कंप्यूटर जो एग्जाम रहेगा कंप्यूटर बेस्ड रहेगा, और साथ ही आपको अब आती है आपकी पात्रता की शर्तें। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है पात्रता संबंधी नियम, तो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देश दिनांक 11/2/2000 के अनुसार उक्त पात्रता परीक्षा का आयोजन किया जाना है। विभाग का आदेश क्रमांक F1-176 जो कि आपको बता चुका हूँ, जिसमें पद का विवरण प्राथमिक शिक्षक रहेगा, आवेदन पत्र, निर्देश पुस्तिका, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड से आप देख ही रहे हैं, परीक्षा केंद्र, प्रोफेशनल एग्जामिनर जो निर्धारित करेगा उसको जो रहेगा, और आपकी निर्धारित शैक्षणिक योग्यता जो रहेगी कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा उसके समकक्ष अथवा 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक बीएड जिसने राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा स्नातक की उपाधि प्राप्त की है उस पर कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जाएगा, किंतु इस प्रकार अध्यापक के रूप में नियुक्ति व्यक्ति को प्राथमिक शिक्षा के रूप में नियुक्त होने के 2 वर्ष के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त प्राथमिक शिक्षा में 6 महीने का एक सेतु जिसे ब्रिज कोर्स कहा जाता है वो करना अनिवार्य रहेगा। साथ ही जो सेकेंड पॉइंट रहेगा कम से कम 45% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष तथा राष्ट्रीय अध्यापक परिषद मान्यता प्राप्त मानक क्रियाविधि विनियम 2002 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा सत्र में 2 वर्ष का डिप्लोमा आपके पास होना अनिवार्य है। साथ ही कम से कम 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी अथवा इसके समकक्ष प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 4 वर्षीय स्नातक उपाधि बीएलएड
और इसके बाद कम से कम 50% अंकों से हायर सेकेंडरी के साथ में 2 वर्ष का स्पेशल शिक्षा जो डीएड रहता है विशेष वो आपके पास है, साथ ही स्नातक उपाधि प्रारंभ परीक्षा शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष कुछ भी हो सकता है। नोट, आरक्षित वर्गों जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्गों तथा निःशक्त व्यक्तियों की अभ्यर्थियों के अर्हताधिकारी अंकों में 5% की छूट दी जाएगी। शिक्षक परीक्षा में अर्हता होने के लिए प्रवर्ग न्यूनतम अंकों का प्रतिशत इस प्रकार रहेगा जो कि पहले भी आपको रहा है, इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग व्यक्तियों के लिए 50% अंक रहेंगे और 60% अंक अन्य के लिए रहेंगे जिसमें आपका अदर स्टेट भी शामिल रहेगा। और इधर आपका स्पष्टीकरण होने वाला है, पात्र परीक्षा में अहकारी अंक प्राप्त करने मात्र से नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं किया जा सकता है। आपको प्राप्त अंक करने के जो है अंक प्राप्त करने के बाद ही आपका कोई दावा नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें मेरिट बेस बनेगी, इसलिए तो मेरिट के आधार पर जो आपकी नियुक्ति की जाएगी। पात्रता परीक्षा में न्यूनतम अंक अर्ह प्राप्त करने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को पात्रता पत्रक दिया जाएगा जिसमें पात्र परीक्षा प्राप्तों का 0.2 अंकों तक उल्लेख किया जाएगा। प्राप्त अंकों को राउंड ऑफ नहीं किया जाएगा। इस पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त आवेदकों में से शासकीय विद्यालयों के लिए भी नियुक्ति किए जाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जा सकेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि प्राथमिक शिक्षक पात्र परीक्षा में अर्हकारी अंक प्राप्त करने मात्र से किसी पद विशेष पर भर्ती का दावा नहीं किया जा सकेगा क्योंकि प्राथमिक शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु कोई कई शर्त पात्रता की शर्तों में से ये है एक शर्त पूरी करेगा। आवेदक को भाषा एक एवं भाषा दो के विकल्प के अलग अलग विषय चयनित करना होगा। प्रश्न पत्र में पैडागोजी भाषा एक भाषा दो गणित एवं पर्यावरण अध्ययन के प्रथम पत्र 33 प्रश्न होंगे। प्राथमिक शिक्षक पात्र परीक्षा के भाग लेने वाले आवेदकों को निर्धारित शैक्षिक योग्यता अर्जित करने की परीक्षा के अंतिम वर्ष में प्रवेशरत है भी पात्रता परीक्षा के बैठक हेतु मान्य होंगे। साथ ही फ्रेंड्स आपके आवेदक करने हेतु आपकी न्यूनतम आयु है जो 1 जनवरी 2020 को 21 वर्ष होनी चाहिए, नहीं तो आप जो फॉर्म फिल नहीं कर पाएंगे। शिक्षक पात्रता परीक्षा का नाम मध्य प्रदेश पात्र शिक्षक जो नाम है मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा होगा। इसकी वैधता अवधि परीक्षा परिणाम जारी होने के दिनांक से 2 वर्ष तक रहेगी। परीक्षा की योजना एवं पाठ्यक्रम पत्रक से संलग्न किए जा गए हैं। साथ ही फ्रेंड्स आपका जो बता चुका हूँ इसमें विभागीय जो शासकीय अनुमोदन के निर्णय लिया गया है कि प्राथमिक शाला शिक्षक पात्र परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों के विभाग स्तर पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए अनारक्षित अभ्यर्थियों से 100 रुपए एवं आरक्षित अभ्यर्थियों से 50 रुपए पीवी द्वारा प्राप्त किए जाए एवं इस राशि को विभाग को स्थानांतरित किया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स आपका जो है प्रवेश पत्र आपकी pb.mp.gov.in पर आएंगे और परीक्षा प्रवेश जो टेस्ट है एडमिट कार्ड जो रहेंगे आपके जो pb.mp.gov.in पर प्राप्त होंगे वहां से आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे। मूल्यांकन पद्धति में 75 प्रश्न रहेंगे, सही उत्तर अंकित करने पर 1 अंक दिया जाएगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं है, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु 2 विकल्प है, इसमें इंटरनेट कैफे द्वारा कियोस्क या स्वयं के कंप्यूटर द्वारा भी भरे जा सकते हैं जैसे www.mponline.gov.in के माध्यम से भरा जाएगा। यहाँ पर आपकी जो है आप स्वयं भरेंगे तो आपको खुद थोड़ा बेनिफिट रहेगा, आप जो है टोटल चार्ज वो कम लगेगा। जैसे आप इंटरनेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड UPI भीम ऐप किसी के द्वारा जो है पेमेंट कर पाएंगे जिसमें आप पेटीएम के द्वारा भी पेमेंट कर पाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स कुछ मुख्य तिथियां जो डेट है आपको बता देते हैं, 6/1 से 8 से प्रारंभ है, भरने की तिथि 20/1/2020 है, भरने के कुल दिवस 15 दिवस के अंदर फॉर्म भरने हैं। ऑनलाइन आवेदन में संशोधन आप 25/1/2020 तक कर पाएंगे, कुल 20 दिन रहेंगे आपके पास। ऑनलाइन परीक्षा केंद्र भोपाल इंदौर जबलपुर ग्वालियर उज्जैन नीमच रतलाम मंदसौर सागर सतना खंडवा गुना दमोह सीधी छिंदवाड़ा बालाघाट आदि रहेंगे। साथ ही फ्रेंड्स आपका जो पैटर्न रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, यहाँ पर आपको दिख रहा है परीक्षा हेतु 150 क्वेश्चन रहेंगे, 150 रहेंगे, 2.5 घंटे में एग्जाम आपको पूरा करना है, 1 अंक का 1 प्रश्न रहेगा और आपका जो ऋणात्मक मूल्यांकन कुछ भी नहीं रहेगा, जिसमें आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का रहेगा, भाषा फर्स्ट 30 नंबर की रहेगी, भाषा सेकंड 30 नंबर की रहेगी, गणित रहेगा 30 नंबर का और पर्यावरण अध्ययन 30 नंबर का रहेगा। टोटल 150 क्वेश्चन रहेंगे और 185 मार्क्स रहेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। विस्तृत पाठ्यक्रम के लिए आप सीधे वेबसाइट पर जा सकते हैं और वहां से ये जो है नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद आप पूरा पाठ्यक्रम देख सकते हैं, इसमें जो है क्या क्या पूछा गया है कितने प्रश्न का क्या आने वाला है सब डिटेल्स इसमें टोटल दिया गया है, आप इस तरीके से जो पूरा देख सकते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर डायरेक्टली बताऊंगा तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा तो आप आराम से उसे पढ़ भी सकते हैं। फ्रेंड्स ये रहेगा प्रारूप आपका और इस प्रारूप में आपको जो है फोटो यहाँ चिपकाना रहेगा जो कि आपका साइज दिखा रहा है, यहाँ पर सिग्नेचर करने रहेंगे, यहाँ पर आपका हैंड राइटिंग जो लिखना रहेगा वो यहाँ पर लिखा हुआ इंग्लिश और हिंदी में आप इस तरीके से जो है इसमें लिखना रहेगा। साथ ही फ्रेंड्स ये थी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां और अगर जानकारी नहीं आती है आपको तुरंत ही आपको बताया जाएगा। साथ ही फ्रेंड्स आज का वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और फिर से कहना चाहूंगा अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलती रहे और समय पर सबसे पहले प्राप्त होती रहे। फ्रेंड्स मैं आपको देता रहूंगा हर जानकारी वर्ग 3 वर्ग 2 वर्ग 1 से रिलेटेड हर एक समय की जानकारी आपको समय पर मिलती रहेगी, तो मेरे साथ जुड़े रहिए और आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलती रहेगी। तो आज का वीडियो देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।